हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पहला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ऑडुइनो का, और साथ ही साथ उसमें जो मेरी मैंने पूरी एक किट अनबॉक्स करी थी उसमें मुझे एक सीडी मिली थी, और सीडी के अंदर ये सारा मटेरियल डला हुआ था, तो इसको मैंने अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लिया है। और इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको, तो आप इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसमें प्रोजेक्ट के हिसाब से सारी चीज़ें दी गई हैं, कोड्स वगैरह सब इसी में ही अपलोडेड है, और मैं कोड वगैरह कुछ लिखने वाला नहीं हूँ इन प्रोजेक्ट्स को बनाते समय। और इसमें टोटल 30 कोड्स हैं, मतलब 30 प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे कुछ कुल मिला के, और साथ ही साथ हम कुछ अलग अलग बनाएंगे इसके साथ ही। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोजेक्ट है हमारा ब्लिंक का है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इस बुक है, इसके अंदर पूरी पीडीएफ फाइल है, और अपनी आती है पीडीएफ नंबर फर्स्ट, तो ये रहा ब्लिंकिंग एलईडी। तो ठीक है, इसमें पहले पीडीएफ के हिसाब से इसमें पहले आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं कि इस पार्ट को आपको लेकर आना है। इस सारे पार्ट्स आपको उसी उसी बॉक्स में मिल जाएंगे। तो क्या क्या है हमारा, एक बोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो ही ऊनो अपना, और यूएसबी केबल जो कंप्यूटर से अपन कनेक्ट करेंगे, एक एलईडी और एक वायर के लिए बेंडिंग बोर्ड, और एक जंपर वायर। जंपर वायर चाहिए, दो ही लगेंगे क्योंकि हम केवल एक एलईडी लाइट ब्लिंक करेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कैसे क्या सेटअप करना है, और इसमें साथ ही साथ एक फ़ोटो दी गई है। इसको कैसे असेंबल करना है, तो ये रहा हमारे पास सारा सामान, ये रहा हमारा बोर्ड, और साथ ही साथ में हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। जो जो अब हमें चाहिए था वो सब मैंने निकाल लिया है। अब क्या करना है, अपने पहले बल्ब को सेटअप करना है। तो बल्ब को सेटअप इस तरह से कर लेते हैं, ये हमने बल्ब यहाँ पे लगा दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में हमको रजिस्ट्रेशन लगाना है 220 का। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब हमको चाहिए दो वायर्स, ब्लैक एंड ब्लू। तो ब्लैक, तो ये ब्लैक निकाला मैंने गलती से, रेड निकाल लिया है ब्लैक हमारे पास। तो हमने ब्लैक वायर भी निकाल लिया है, अब इसको हम लगाते हैं। तो जैसा इसमें दिखाया गया है कि हमको इस वायर ब्लैक वाले को इसमें लगाना है और ब्लू वाले को इसमें लगाना है, और हमने इसमें लगा दिया। अब हमको इसको अपने बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। और अपने वायर को इससे कनेक्ट करना है कंप्यूटर वाले को, तो उसकी जो केबल होती है वो, तो उसमें लाइट स्टार्ट हो गई ब्लिंक करना। अब इसमें हम कोड अपलोड करेंगे, इसको बंद करते हैं, कोड को फर्स्ट को ओपन करते हैं, और इसको ओपन करते हैं, तो इसका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो ये इसका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। पहले तो हम कोड चेक करेंगे सही है कि सही है कि गलत, तो वेरीफाई करेंगे यहाँ से उसकी, ये प्रोसेस चेक चल रही है चेक होने की। और यहाँ पे प्रोसेस डन हो गई है। अब इसको हम अपने कंप्यूटर से ऑडिनो में अपलोड करेंगे, तो अपलोड होने का स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई है लाइट। ठीक है, और ये बढ़िया सा एक रीस्टार्ट बटन है यहाँ पर, अगर आप उनको इसको क्लिक करेंगे थोड़ी देर से रीस्टार्ट हो जाएगा ये।
अब स्टार्ट हो जाएगा वापस से। अब क्या है कि इस केबल को हम हटा भी सकते हैं, और उसके साथ जो एडिशनल केबल आई थी बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए, हम वो भी लगा सकते हैं। तो इसको पहले तो हम इसकी केबल निकाल लेते हैं। तो ये इसकी केबल हट गई यहाँ पे, अब हम सीधे अपनी बैटरी को लगा सकते हैं यहाँ पर, और ये बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया है सिंपल। ठीक है, और ये था हमारा प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट। बस एक एलईडी का काम था, आगे जाके बहुत सारे टफ टफ प्रोजेक्ट्स भी हैं, हम सारे मिलके बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे हम वीडियोस लाते रहेंगे इसके ऊपर, बहुत सारी वीडियोस लानी है इसके ऊपर, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। और सबसे ज़्यादा टफ प्रोजेक्ट हैं इसके नीचे के, इसकी लाइक ऐसे इसमें वायर्स लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत सारे मज़ेदार मज़ेदार प्रोजेक्ट्स हैं, इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। थैंक यू फॉर लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।